हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एलसी ऑसिलेशंस की क्वालिटेटिव पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने उसके डायग्राम्स बनाए थे और ये बताया था कि कैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम इसका मैथमेटिकल पार्ट देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फिर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरा सर्किट कुछ इस तरह का है। एट टाइम टी इक्वल टू टी पे मेरे सर्किट में जो करंट है वो है आई एट एनी इंस्टेंट, और मैं ये कंसीडर कर लेता हूं जो मेरी नेगेटिव प्लेट है ना कैपेसिटर की, इसका पोटेंशियल उस टाइम पे कितना है, जीरो, जीरो वोल्ट। तो उसी तरह ये इंडक्टर, अगर मैं उसी तरह इस इंडक्टर पे आऊं, इसका नेगेटिव पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पोटेंशियल होगा इस पॉइंट तक। तो ये हायर पोटेंशियल जो होगा प्लेट का, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय सी। चलो फिर इस सर्किट के अंदर किरचॉफ लूप लगाते हैं, यहां से चल के वापस यहां पे आते हैं, तो यहां पे अगर स्टार्ट किया जाए, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, Q बाय सी। माइनस, माइनस क्यों आया, ओ भाई इंडक्टर का ना इस पर पॉजिटिव एंड आ रहा है, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो मेरी वैल्यू के आगे क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन। माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू, वापस यहीं पे पहुंच जाऊंगा, इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब जो मैंने आपको केस बताया था, पहला केस, क्या आप यही केस कंसीडर कर लो, इसके अंदर पता है क्या हो रहा है, वो इसके अंदर ना चार्ज डिके कर रहा है, इस कैपेसिटर से चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो करंट की वैल्यू क्या है यहां पे, नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह डीआई बाय डीटी क्या होना चाहिए, डीआई बाय डीटी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसके अंदर वैल्यू डाल लो विद साइन, क्या आना चाहिए, क्यू बाय सी माइनस माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो ये मेरी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन इस सिस्टम की, Q बाय सी प्लस एल डी स्क्र क्यू बाई डी टी स्क्र इक्वल टू जीरो। ये था इसको किरचॉफ लॉ से करने का तरीका। अब दूसरा तरीका जो बताने जा रहा हूं वो इससे भी इजी है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन से। मैं कंसिडर कर लेता हूं इस टाइम पे सर्किट के अंदर जो दो टाइप की एनर्जीज आई है वो कुछ इस तरह है, हाफ एल आई स्क्र इस इंडक्टर करके प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इस कैपेसिटर करके, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओ भाई टोटल एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि कोई भी रेजिस्टर मैंने नहीं लगाया है जिसके अक्रॉस कोई भी एनर्जी या हीट लॉस हो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को गलती से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, ओ भाई कांस्टेंट चीज तो जीरो हो जाएगी, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा तो शायद मेरी यह इक्वेशन बन जाए। एक बार करके देख लेना, इसके अंदर एक I, इसके अंदर बचेगा एल डी एल आई डी आई बाई डी टी, इसके अंदर बचेगा Q डी क्यू बाई डी टी बाई सी। तो इसको आप करोगे, हो सकता है दोनों में I I कट जाए, करंट दोनों तरफ से कट जाए और ये इक्वेशन बचे। ये इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा टेढ़ा पार्ट है ये मैथ्स का, इसको कर लेना, ये इक्वेशन कुछ इस तरह ही बनेगी। अब ये इक्वेशन पता है एक हार्मोनिक इक्वेशन की तरह है, ये किसकी तरह है, हार्मोनिक इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, आपको याद दिलाता हूं, प्लस वन में आपने स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़े होंगे, उसके अंदर क्या था, मैं एक मास को डिस्प्लेस करके जब छोड़ता था तो किसी पोजीशन एक्स पे जो कि मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट थी, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई होगी हमने, क्या बनाई थी, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, और उसका सोल्यूशन क्या आया था, वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओ भाई ये हार्मोनिक मोशन आया था। हार्मोनिक मोशन क्या होता है, दोबारा बता देता हूं, हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक हो, ऐसा मोशन जो ऑसिलेटरी भी हो, और ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर बाउंडेड हो। उसके अलावा जैसे ये केस है ना, इसके अंदर डायरेक्टली इसकी जो एक्सेलरेशन आए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आनी चाहिए थी, इसकी डिस्प्लेसमेंट के। उसी तरह इस केस के अंदर भी सेम चीज लगेगी, इसके अंदर जो चार्ज का फॉर्मूला बनेगा, इसका जो इक्वेशन आएगी ना वो आएगी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं मान के चलता हूं इसका एक जनरल सोल्यूशन ले लूंगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसको इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा, आप भी करके देखना। इसके अंदर क्यू को क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डाल के एक बार दो बार डिफरेंशिएट करना और फिर इसके अंदर वैल्यू डालना, शायद इक्वल टू जीरो बन जाए आपकी वैल्यू भी।
अब इस डिस्कशन को मैं कंटिन्यू करते हुए बताता हूं कि मैंने क्या किया। अब इस चार्ज को ना q इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया। ओ भाई अब मेरे को ना दिक्कत आ गई फाई में। ओ फाई पता है क्या, इनिशियल फेस है। इनिशियल फेस मेरे को क्या बताता, जब मेरा टाइम जीरो था तो कोई ना कोई क्यू की वैल्यू थी। अब मेरा फर्ज बनता है इस फाई को फाइंड करना। जब हमने इनिशियल केस या पहले डायग्राम का केस कंसीडर किया था एलसी ऑसिलेशंस के फर्स्ट पार्ट में, वो कुछ इस तरह की थी। और इस दौरान ना एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज मेरा कितना था क्यू नॉट और करंट कितना था सर्किट में जीरो, ठीक है। तो उसको हम बेस रखते हुए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो करो, ओमेगा टी क्या हो जाएगा जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट साइन फाई आ गया, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी वन। फाई कितना आ गया यहां से पाई बाय टू। ओ इस पाई बाय टू को ना उठा के पहली इक्वेशन में डाल दो, शायद क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कोसाइन ओमेगा टी आ जाए। इसके बाद क्या करना है, आपका फर्ज बनता है इस चार्ज को ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो एक बार। करंट कितना आ जाएगा माइनस डी क्यू बाय डी टी। ओ माइनस पता है क्यों आया है, माइनस आया क्योंकि जिस टाइम मैंने देखना शुरू किया ना उस टाइम मेरे कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज क्या हो रहा था, डिके हो रहा था। तो माइनस डी क्यू बाय डी टी लगाओ, वैल्यू आएगी ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ओ भाई मेरे को ना हमने आज तक जितने भी केस किए आरएलसी सर्किट हो, आर सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव, उसके अंदर मैंने ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है। तो मेरे को ना ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, इसको मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर मेरा आई नॉट कितना है क्यू ओमेगा, क्यू नॉट ओमेगा। अब ये वैल्यू कहां से ही? इसका भी बताता हूं। पहले ये देखो जो लास्ट टाइम इक्वेशन बनी थी ना स्प्रिंग मास सिस्टम में, वो क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। इसका जो ओमेगा स्क्वायर आया ना ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी उसकी, ये क्या थी एंगुलर वेलोसिटी थी उस इक्वेशन की। अब जो मेरी चार्ज के केस में इक्वेशन बनी है ये दोनों कंपेरेबल है और इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया वन बाय एलसी, क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर की जगह वन बाय एलसी। तो ओमेगा क्या हो गया, कंपेयर कर दिया जाए अगर वन बाय अंडर रूट एलसी। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा ओमेगा इक्वल टू वन बाय अंडर रूट एलसी कैसे आया। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा लिख दिया विदाउट एनी प्रूफ। चलो अब इसका मैं प्रूफ देता हूं। आप क्या करो एट एनी इंस्टेंट ना लो, अब स्टार्टिंग का पॉइंट कंसिडर करो जब मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम हो और सर्किट में करंट कितना हो जीरो, तो उस टाइम एनर्जी कितनी होगी सर्किट में हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। अब मैंने बोला एनर्जी कंजर्वड है क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं लगाया, कोई भी हीट एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो फिर जब मेरे सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम मेरी मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखो, हायर लेवल मैथमेटिक्स लगाओ, हाफ की हाफ से मौज लगाओ, आई नॉट आ गया आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट एलसी। वन अपॉन अंडर रूट एलसी था या क्या ओमेगा, तो आई नॉट कितना आ गया आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। ओ भाई वही बात आ गई जो मैं बता रहा था, आई नॉट कितना आ गया क्यू नॉट ओमेगा। अब मैं इसके चार्ज की और इसके करंट की वेव फॉर्म्स बनाने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। मेरा चार्ज का फॉर्मूला बना है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और या ये ले लो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट को साइन ओमेगा टी, और करंट का कितना बना है ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब ध्यान से देखना जो ये पार्ट्स या नौ डायग्राम्स आप देख रहे हो ये पहले पार्ट की हैं एलसी ऑसिलेशन के। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, जब इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो था और टी इक्वल टू जीरो पे मेरा जो चार्ज आ रहा था ना वो कितना था मैक्सिमम क्यू नॉट। तो अगर मैं अब चार्ज की वेव फॉर्म बनाऊं तो इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरा चार्ज कितना आना चाहिए मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम ही दिखाया हुआ है देखो क्यू नॉट को साइन ओमेगा टी में टाइम टी जीरो डालोगे ना क्यू नॉट मैक्सिमम आएगी क्यू नॉट वैल्यू। और इस टाइम पे सर्किट में करंट कितना था, वो सर्किट में इस टाइम करंट था ही नहीं इक्वल टू जीरो था, तो उसी तरह मैंने करंट फिर क्या दिखाया यहां पे जीरो, ध्यान से देख लो भाई जीरो दिखाया हुआ है यहां पे करंट। इसके बाद क्या हुआ था, मेरे सर्किट में करंट आया, मेरे कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई क्योंकि करंट जो चार्ज था सर्किट में आने करके करंट आ गया, तो यहां पे चार्ज डिके होना शुरू हो गया, चार्ज कम होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट को पता है क्या दिखाता है, ये पार्ट जो ये कर्व देख रहे हो ना अब ये वाली,
ये कम हो रही है जो वैल्यू, ये चार्ज के कम होने की इंडिकेशन है। फिर क्या होगा, और इस टाइम मेरा करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ होगा सर्किट में, ये देखो ये वो इंक्रीज बता रहा है। और अब इस सर्किट में ध्यान दो जरा, जब मेरा चार्ज जीरो हो गया, अब मेरा सारा का सारा चार्ज करंट के फॉर्म में सर्किट में आ गया, तो इस टाइम मेरा करंट कितना हो गया, मैक्सिमम, लेकिन इस टाइम चार्ज कितना हो गया, जीरो, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जब मेरा चार्ज जीरो हुआ ना, तो मेरा करंट कितना हो गया, मैक्सिमम, ये देखो मेरा करंट कितना हो गया अब, मैक्सिमम। हाँ, इसके बाद मैंने क्या किया, हमने नोटिस किया था ना कि यहां पे मेरी जो पोलैरिटी थी वो रिवर्स हो गई। रिवर्स होने से क्या हो गया, ओपोजिट डायरेक्शन में चार्ज चढ़ना शुरू हो गया कैपेसिटर की प्लेट पे। तो जो ओपोजिट डायरेक्शन ये दिखा रहा हूं ना, वो ये डायरेक्शन है, ध्यान से देख लो भाई, ये जो चार्ज था ना ओपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ये देखो दूसरी प्लेट पे चढ़ रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी मैंने। और इसी तरह अब सर्किट का जो करंट था, करंट भी कम होना शुरू हो गया, ये जैसे हो रहा है। फिर नेक्स्ट केस जो ये वाला केस है, इसके अंदर मैंने क्या दिखाया, ओपोजिट प्लेट पे ना चार्ज प्लस क्यू आ गया, पूरा क्यू नॉट चार्ज आ गया, और इस दौरान करंट कितना हो गया, ओ भाई करंट ना इस टाइम जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया, वो वैल्यू क्या दिखा रही है, ओ ये वाली, जब मेरा चार्ज तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन ना मेरी प्लेट कौन सी थी, दूसरी वाली प्लेट कौन सी थी, दूसरी वाली, इसलिए ओपोजिट डायरेक्शन में मेरा चार्ज मैक्सिमम हो गया, लेकिन इस दौरान मेरा करंट पता है क्या हो गया दोस्तों, मेरा करंट हो गया जीरो, वो होना भी चाहिए क्योंकि इस टाइम मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई थी मेरी, जीरो। वेरी गुड, अगले केस में क्या है, अब फिर जो ये वाला चार्ज था ये डिके होके सर्किट में आना शुरू हुआ, और सर्किट में तो आना शुरू हो गया, लेकिन अब वैल्यू ना जीरो को अप्रोच करनी शुरू कर दी दोबारा, ठीक है, ये वही दिखा रहे, वैल्यू मेरी जीरो को अप्रोच करनी शुरू हो गई, ठीक है, ये जीरो को अप्रोच हो रही है, और इसी हिसाब से जो मेरा करंट था, जो मेरा करंट आ रहा था वो अब ओपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। अब पहले करंट की डायरेक्शन ऊपर आ रही थी, अब यहां से नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई, करंट मेरा ओपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, ओ भाई मान लो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये चार्ज मेरा पूरा डिके हो चुका होगा, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, चार्ज कितना हो गया मेरा, जीरो। तो इस टाइम मेरा ना सर्किट में, इस डायरेक्शन में करंट कितना होगा, मैक्सिमम, कितना होगा, मैक्सिमम। तो जो जीरो होगा ना चार्ज, वो इस पॉइंट से दिख रहा है हमको, ध्यान दे लो भाई, इस पॉइंट से जीरो वो चार्ज दिख रहा है, जो इस टाइम पे चार्ज होगा जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सारी जीरो होके मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो हो गया, और इस टाइम करंट कितना होगा, मैक्सिमम, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ओपोजिट। इनिशियली मेरी डायरेक्शन ये थी, इनिशियली मेरी डायरेक्शन ये थी, अब मेरी डायरेक्शन क्या, ये वाली, ओपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना अब की बार। तो इस बार जो मेरी वैल्यू आएगी ना करंट की, मैक्सिमम ओपोजिट डायरेक्शन में, वो ये वाली है, वो ये वाला पॉइंट डिनोट करता है। इसके बाद क्या करना है, वही बात क्या है, अब क्या होगा, ओपोजिट डायरेक्शन में, अब भाई यहां पे पोलैरिटी फिर रिवर्स होगी। पोलैरिटी रिवर्स क्यों होगी, भाई चार्ज जीरो हो गया, अब चार्ज जीरो होने करके करंट की वैल्यू कम होनी शुरू होनी थी, करंट वैनिश होना शुरू होना था, लेकिन इंडक्टर ने बोला मैं नहीं होने दूंगा, बहुत ध्यान रखता है वो, तो उसने क्या किया, करंट की, करंट को वैसे मेंटेन करने के लिए हमने पोलैरिटी कर दी चेंज। तो फिर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, करंट फिर, चार्ज फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर एक बार फिर चार्ज उस प्लेट पर पॉजिटिव होके मैक्सिमम हो गया, उसी तरह आ गया जैसे इनिशियल केस में था हमारे पास, उसी तरह चार्ज आ गया जैसे इनिशियल केस में था, उसी तरह वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट। तो जो ये वैल्यू है ना, ये क्यू नॉट, ये बताते हैं कि मेरा चार्ज फिर उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, लेकिन इस टाइम पे करंट कितना हो जाना चाहिए मेरा, जीरो। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब एक पार्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, जो आपके आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं, वो है कि अगर मान लो आपके सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर लगा हो, तो उसमें पता क्या होगा, आपका सारा का सारा चार्ज डिके हो जाएगा कुछ इस तरह, विद टाइम सारा का सारा चार्ज डिके हो गया, अब एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एनर्जी लॉस हो जाएगा हीट एनर्जी की फॉर्म में उस रेजिस्टर के अक्रॉस। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ आ गया होगा। मैं ये बता देता हूं कि इस केस में ना सिर्फ चार्ज और करंट ही ऑसिलेट करते हैं, एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती। ओ भाई कंसेप्ट की तबाही मत मचाओ, एनर्जी कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट।
ओ भाई कोई आपको लाख रुपया भी दे देना तब भी मान लो कि एनर्जी कोई चेंज नहीं होगा, अगर मेरी ऑसिलेशंस में रेजिस्टर नहीं है, कोई हीट लॉस नहीं है, तो मेरी एनर्जी में चेंज नहीं होगा। कोई आपको कहीं का प्रेसिडेंट क्यों ना बना दे, बट इवन देन आपके एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी वन फॉर्म टू अदर। लाइक हियर इन दिस केस इट इज चेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ चार्ज और करंट वैल्यूज ही ऑसिलेट करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।